उत्तर प्रदेश चुनाव से इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। 150 सीटों का रुझान आ चुका है, उनमें 100 सीटों से अधिक भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। वहीं समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो 70 सीटों पर आगे है। आपको बता दें कांग्रेस का अभी थक खाता नहीं खुला है, BSP 2 सीटों पर आगे चल रही है। बड़ी जानकारी के साथ हम आप तक खबर पहुंचा रहे हैं। अभी तक 100 सीटों से ज़्यादा भाजपा आगे चल रही है, 150 सीटों का रुझान आ चुका है। कांग्रेस का कहीं भी खाता नहीं खुला। अगर हम VIP सीट्स की बात करें, करहल की बात करें, हम फाजिल नगर की बात करें, हम सुराथू की बात करें, इन सभी सीटों पर बड़े चेहरे आगे दिखाई दे रहे हैं। अगर निषाद पार्टी के विवेक पांडे की बात करें तो वो भी आगे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कोई भी किसी भी पार्टी का बड़ा चेहरा अभी पीछे नहीं है। हालांकि 100 सीटों से अधिक भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, 150 सीटों का रुझान आ चुका है। 70 पर समाजवादी पार्टी, अगर सुबह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं टक्कर देने का काम समाजवादी पार्टी कर रही थी, लेकिन अब एक बड़ा आंकड़ा सामने दिखाई दे रहा है। अगर देखा जाए तो लंबी दूरी तय कर ली है भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी से। अब मुकाबला तगड़ा होता जा रहा है। इस गैप को कैसे पूरा करेगी समाजवादी पार्टी, ये सबसे अहम सवाल है। फिलहाल देखा जाए, अगर नतीजों को देखा जाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं नंबर वन पार्टी अभी दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी। अगर बात की जाए प्रत्याशियों की तो कुंडा से राजा भैया आगे चल रहे हैं। अगर बात की जाए करहल की अखिलेश यादव, गोरखपुर की योगी आदित्यनाथ,